तो ये है मेरे पास अपाची 4B, और इसमें जो डिस्क वाली ब्रेक है इसमें एयर बनी हुई है, तो ये हम ब्रेक दबाते हैं तो काफ़ी मतलब जो लीवर है यहाँ आके ब्रेक लगती है इसकी, तो ये आप भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए लीवर इसका साथ में लग जाता है बिल्कुल। तो इसमें एयर बनी हुई है, एयर कैसे निकालना है मैं आपको बताऊँगा, और ये गाड़ी नई है समझ लीजिए बिल्कुल, तो कैसे निकालना है एयर मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे इसका लीवर बिल्कुल ये साथ में लग जाता है, तब जाके हमारा जो है ये पहिया रुकता है इसका। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे ये कैप लगी हुई होती है, और इस कैप को निकाल लेना है, और जो ये पाइप है, पाइप अगर आपके पास है तो पाइप ये लगा लेनी है, ताकि इसके ऊपर व्हील के ऊपर इसका ऑयल ना गिरे। अगर इसका ऑयल जो व्हील पे गिर जाएगा तो ये इसका कलर ख़राब हो जाता है। तो ये हमने देखिए नट इसका लूज कर लिया है हल्का सा, और ये देख पा रहे होंगे ऑयल इसका ऊपर आ रहा है। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ऑयल ऊपर आ रहा है, अब आपको ये ब्रेक दबानी है और दबा के ही रखना है। ये देखिए ऑयल इसका आ रहा है, अब हमें नट टाइट करना है। दोस्तों ये हमने जब नट टाइट कर लेना है तब जाके ये डिस्क ब्रेक जो है लीवर ये छोड़ना है, और अगर आप ये बीच में लीवर छोड़ देते हैं उसके बाद में ये नट टाइट करते हैं तो इसमें दोबारा से एयर बन जाएगी। तो अब आप देख पा रहे होंगे, घुमाओ तो ये देखिए अब इसका जो लीवर है ये काफ़ी आगे आ गया है, पहले लीवर इसका बिल्कुल यहाँ इसके ग्रिप में लग जाता था बिल्कुल यहाँ पे आके, तब जाके ब्रेक लगती थी। तो दोस्तों अगर आपके पास इस तरीके की पाइप नहीं है, इस टाइप की पाइप नहीं है, तो आप ऐसे ही इसको नट लूज करके ऑयल निकाल सकते हैं, और इसके ऊपर अगर ऑयल गिरता है तो आप यहाँ पानी मार दें, तो ये जो है पानी मार देंगे तो इसका कलर वगैरह नहीं ख़राब होगा। तो मैं आपको दोस्तों यही बताना था, और अगर आपकी बाइक में इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।